स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन कुछ ख़ास रहने वाला है। आज हम लोग का सीडीपी का क्लास होगा। सीडीपी का यह क्लास दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट के आधार पे प्रश्नों को देखेंगे। कुल आज हम लोग 30 प्रश्न देखेंगे और इससे पहले हम लोगों ने सेट वन कर चुका है, उसमें भी हम लोगों ने 30 प्रश्न देखे हैं। ये प्रश्न बहुत ही आपके बेसिक होंगे। अगर आप लोगों ने सारे प्रश्न कर लिए सेट के तो आपके सीडीपी के जितने भी बेसिक हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपके बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये जो सेट है वो जे टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोग देखिए प्रश्नों को और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है क्योंकि। यहाँ देखिएगा दोस्तों, यहाँ चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। फिर आपका दूसरा ऑप्शन है नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा - सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है जन्म से लगभग 2 वर्ष यानी शैशवावस्था काल में बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा क्या सीखता है। तो पहला ऑप्शन है आपका इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तीसरा ऑप्शन है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों बच्चा जो है शैशवावस्था में है, 0 से 2 साल का है, तो वो निष्क्रिय जो नेचुरल शब्द है उसको समझने में उसको दिक्कत होगी। अमूर्त तरीके यानी कि जो चीज़ वो नहीं देख रहा उसके बारे में सोचना वो भी उसके लिए मुश्किल है। वो वहाँ पे यहाँ पे चिंतन का जो शुरू होता है विकास वो अभी नहीं शुरू हो पाता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं, ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। अब भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, भाषा तो भी बच्चा कुछ शब्दों को ही सीखेगा, ज़्यादा वो सीख नहीं पाएगा तो इसका अनुप्रयोग भी नहीं कर पाएगा। तो ये भी आपका सही नहीं है। आपका सबसे बेहतर तरीका होगा इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, देखना सुनना बोलना स्पर्श ये जो इंद्रिय हैं इसके द्वारा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखता है। इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, पहला इरफान को खिलौने से कभी भी खेलने नहीं देंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। बच्चे हैं तो वो खिलौनों से खेलेंगे और तोड़ेंगे भी, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। उस पर हमेशा नज़र रखेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। बच्चे पर अगर हमेशा नज़र रखेंगे तो खुलकर खेलेंगे नहीं, उसका विकास नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है आपका उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे, बिल्कुल सही है। अगर कोई बच्चा खिलौनों को लेकर तोड़ रहा फोड़ रहा तो वो उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कैसे बनाए कहाँ से क्या लगा हुआ, उसके प्रति वो जिज्ञासु है। तो ऐसे बच्चे को जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसकी जो ऊर्जा है वो गलत तरीके में वेस्ट हो रही है, उसको सही तरीके में हम लोग सिखाएंगे, कुछ उसको क्रिएटिव कार्य करने के लिए देंगे, कुछ ऐसा काम करने देंगे जिसमें वो खिलौनों को जोड़ सके, उसे सही तरीके से बना सके, कुछ और ऐसा कार्य देंगे जिसमें वो उसका मन लगे। तो ऐसे बच्चों के लिए जिज्ञासा को और उसको प्रोत्साहित करने के लिए अलग काम देना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बचपना अवस्था है, बचपन की अवस्था कौन सी है, एज आपका दिया है कि कौन सा एज होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों, पहला है 1 सप्ताह से 1 वर्ष, दूसरा है 2 सप्ताह से
दो वर्ष बचपन की अवस्था यहाँ पे बोल रहा है, यानी कि शैशव अवस्था काल। तीसरा है 3 सप्ताह से 3 वर्ष, 4 सप्ताह से 4 वर्ष, ये नहीं होगा 4 वर्ष तक। यहाँ पे आपका दिया 1 सप्ताह से 1 वर्ष, ये भी नहीं, भी हम लोगों ने पहले पढ़ा है 0 से 2 वर्ष शैशवावस्था काल है, तो आपका 2 सप्ताह से 2 वर्ष हो जाएगा आपका बचपन की अवस्था। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बाल अपराध का एक कारण है, बाल अपराध भी एक बहुत बड़ी समस्या है देश की, बाल अपराध के भी बहुत सारे आते रहते हैं केस, तो इसका कारण क्या है इसको जानना होगा, तभी बच्चे को अपराध करने से रोक सकते हैं, उसे एक अच्छा नागरिक बनाने में उसका सहयोग कर सकते हैं। ये अपराध जो बच्चे करते हैं या फिर जो नागरिक बड़े होकर करते हैं, ये बच्चे से ही शुरू होता है, इसलिए शिक्षा में ज़रूरी है कि इसको यहीं पर रोकना। तो बाल अपराध का कारण पहले जानना होगा क्या है कारण, तो कारण यहाँ पे आप देख लीजिए, दूषित वातावरण है, टूटा परिवार है, वंशानुक्रम है, और डी में आपका है ये सभी। तो देखिए दोस्तों, बाल अपराध का कारण वंशानुक्रम तो होता ही है, मेन आपका होता है वंशानुक्रम का असर ज़्यादा पड़ता है, फिर दूषित वातावरण भी होता है, अगर वातावरण समाज आसपास जो माहौल है आपका ख़राब है तो बच्चे भी उसी वही चीज़ सीखते हैं, उसका भी असर होता है। टूटा हुआ परिवार में हमेशा आपसी रंजिश होता है, लोग लड़ते झड़ते हैं, तो इससे भी बाल अपराध को एक प्रोत्साहन मिलता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट है डाल्टन प्रणाली को आप कहाँ वर्गीकृत करेंगे, तो डाल्टन प्रणाली जो है दोस्तों शिक्षक केंद्रित प्रणाली है, उत्पादन केंद्रित प्रणाली आपका ऑप्शन दिया गया है, बाल केंद्रित प्रणाली है, या उपयुक्त सभी में। तो जो डाल्टन प्रणाली है दोस्तों वो है बाल केंद्रित प्रणाली, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डाल्टन प्रणाली को पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है किसी कक्षा का माध्य स्कोर परीक्षण की वह उपलब्धि है जिसमें, तो यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है कुल स्कोर को स्कोर की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसको आप थ्योरी पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि माध्य स्कोर परीक्षण क्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कुल स्कोर को स्कोर की संख्या से भाग देने पर ये माध्य स्कोर आपका प्राप्त हो जाता है। अगर माध्य मैथ में निकालना आप जान रहे हैं तो इसको आसानी से समझ जाएंगे। नेक्स्ट है सामान्यतः पूरी कक्षा में बच्चों का आईक्यू होता है, तो यहाँ पूछ रहा है पूरी कक्षा में बच्चों का आईक्यू, तो पूरी कक्षा में बच्चों का आईक्यू दोस्तों होता है 100 के लगभग होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस क्षेत्र में साक्षात्कार विधि का प्रयोग हुआ, तो साक्षात्कार विधि का प्रयोग व्यवसायिक क्षेत्र में हुआ, या शिक्षा का क्षेत्र में हुआ, तकनीकी क्षेत्र में हुआ, या कंज्यूमर क्षेत्र में हुआ, तो इसका साक्षात्कार विधि का जो प्रयोग हुआ था सबसे पहले दोस्तों वो व्यवसायिक क्षेत्र में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवधान की है, तो यहाँ आपके दिया गया है मानसिक क्रियाशीलता, तत्परता, क्रियाशीलता केंद्र, उपयुक्त सभी। तो ये जो अवधान की विशेषता है ये सारी होगी आपकी, मानसिक क्रियाशीलता भी होगी, तत्परता भी होगी, मतलब बच्चे जो होंगे मानसिक रूप से बहुत क्रिएटिव होंगे, क्रियाशील होंगे, तत्पर रहेंगे किसी भी काम करने के लिए, जल्दी जल्दी करना चाहेंगे, क्रियाशीलता का केंद्र बिंदु भी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी जांच मानसिक जांच के अंतर्गत आता है, तो मानसिक जांच के अंतर्गत कौन आता है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण तो होता ही, बुद्धि को जांचेंगे तभी मानसिक जांच होगा, ये सही है। शैक्षणिक एकेडमिक उपलब्धि परीक्षण, जो बच्चों से हम एग्ज़ाम लेते हैं जो शिक्षक हैं वो, या हम लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो शैक्षणिक एकेडमी जो होता है तो परीक्षण, ये भी मानसिक जांच का एक प्रकार है। रुचि परीक्षण, बच्चे किस में रुचि ले रहे हैं, इससे भी आपका मानसिक जांच होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी।
उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है वह जांच मानव जांच कही जाती है जिसमें होती है, पहला आपका दिया गया है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता होनी चाहिए तभी मानव जांच सही जांच होगा। विश्वास ही नहीं होंगे तो फिर किसी के बारे में सही आकलन नहीं किया जाएगा। वैध भी होना चाहिए, जो आप तरीका अपना रहे हैं वो वैध होना चाहिए, नॉर्म होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कौन सा विषय है जिसके द्वारा विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है, कौन सा विषय है, यहाँ विषय के बारे में आपको पूछ रहा है। तो यहाँ दिया गया आपका गणित, सांख्यिकी, हिंदी, विज्ञान। तो मूल्यांकन जो किया जाता है वो सांख्यिकी के आधार पर किया जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डी, फैक्टो स्कूल जैसे स्कूल को कहा जाता है जिसकी प्राथमिक उपलब्धि है, ऑप्शन आपका दिया गया दोस्तों राज्य आयुक्त के द्वारा निर्देशित होता है, नहीं जो सामान्य विद्यालय से संबंधित होता है, ये भी डी फैक्टो स्कूल नहीं है। नेक्स्ट है आवासीय पद्धति पर समुदाय का निर्माण करता है, तो ये आपका सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसने कहा शिक्षण सदैव परमात्मा का सच्चा पैगंबर होता है, वह परमात्मा के राज्य में प्रवेश कराने वाला है, ये वक्तव्य है दोस्तों डीवी का, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्तमान शिक्षा स्तर आपकी दृष्टि में कैसा है, ये आपकी दृष्टि में आपके बारे में पूछ रहा आपसे कि कैसा है, तो सभी का अपना अपना व्यू होगा, सोच होगी कि कैसी है, तो आप लोग अपने अनुसार आंसर देंगे, लेकिन जो विभाग होगा वो एक ही आंसर लगाएगा, तो उसके अनुसार आपका आंसर होना चाहिए, ना अधिक अच्छी ना अधिक बुरी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सोच आप लोग अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन आंसर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा दे तो आपको आंसर यही करना है। नेक्स्ट है आप अपने स्वयं के विषय में क्या कहेंगे, स्वयं के विषय में आपको क्या कहना है, मैं अयोग्य हूँ, मेरी योग्यता क्षीण होने को है, मुझे योग्यता पूर्ति पर विश्वास है, मुझे मुझ में योग्यता प्रदर्शन का साहस नहीं है, तो आप अपने बारे में क्या कहेंगे। तो मैं तो अपने बारे में कहूँ मुझे योग्यता पूर्ति पर विश्वास है, तो आंसर आपका देना चाहिए मुझे योग्यता पूर्ति पर विश्वास है। नेक्स्ट है शिक्षक को विद्यालय में जो कार्य करना चाहिए उसका ज्ञान शिक्षक को किससे होता है, यहाँ आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों समय चक्र, पाठ्यक्रम, पूर्व ज्ञान, कक्ष निरीक्षक। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए, ये हम बच्चे हम स्कूल क्यों जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे को क्या पढ़ाना है इस पर हमको फोकस करना है। तो पाठ्यक्रम का हमको ज्ञान होना चाहिए कि आज क्या पढ़ाना है, कल क्या पढ़ाना है, इस पूरे मंथ में क्या पढ़ाना है, ये पाठ्यक्रम तय करता है, तो इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कक्षाओं में जनतांत्रिक नेतृत्व होने का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ जनतांत्रिक नेतृत्व के बारे में बोल रहा है कि क्या कारण है कि जनतांत्रिक नेतृत्व कक्षा में हम लोग रखते हैं। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया उच्च मनोबल, दूसरा में है निम्न मनोबल, सी में है दोनों, दोनों में से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, जब उच्च मनोबल होगा तो निम्न मनोबल नहीं, निम्न होगा तो उच्च नहीं, ये तो एकदम बिल्कुल ऐसे ही आपका कार्ड देना है। अब दोनों में से कोई नहीं दिया, ये भी आपका नहीं, अब दो में से आपको आंसर चुनना है, तो कक्षा में जनतांत्रिक नेतृत्व तो जब भी होगा तो पॉजिटिव चीज़ होगा, यहाँ पॉजिटिव बातें हो रही, तो उच्च मनोबल होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपको बहुत बार क्वेश्चन को देख के अगर आप आंसर नहीं भी जानते हैं तो आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देना है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रहेंगे जो आप खुद देख कर उसको एलिमिनेट कर देंगे तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। नेक्स्ट है विद्यालयों में नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति किसको बढ़ाया जाता है, आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पहला रुचि, दूसरा भौतिक परिवेश, तीसरा अनुशासन,
डी में है जिज्ञासा। तो ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि रुचि को बढ़ाना रहता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए रुचि। नेक्स्ट है सफल व्यक्ति की पहचान है। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन आपके दिए गए हैं, लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना, फिर आपका दिया गया है पर्याप्त धन संपत्ति अर्जित करना, पर्याप्त प्रतिष्ठा प्राप्त करना, माता पिता की आकांक्षाओं को पूर्ण करना। सफल व्यक्ति की पहचान क्या है? तो सफल व्यक्ति की पहचान दोस्तों कि लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना। अगर संतोष आपके पास नहीं है तो आप सफल व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आ सकते। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्य को प्राप्त कर संतोष प्राप्त करना। नेक्स्ट है शिक्षा संबंधी राष्ट्र नीति का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो शिक्षा नीति, जो शिक्षा संबंधी राष्ट्र नीति का निर्माण है दोस्तों, वो आपका किया गया है 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विद्यालय में पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था में किस समय भोजन दिया जाता है? तो भोजन जो है मध्याह्न भोजन, तो आपके जो भी आप शिक्षक होंगे या जो भी बीएड वगैरह किए होंगे तो स्कूल में आप लोग गए होंगे लेसन प्लान देने के लिए, तो वहाँ देखते होंगे कि पौष्टिक पदार्थ का रूप में बच्चों को भोजन दिया जाता है, वो आपका दिया जाता है मध्याह्न में, दोपहर में दिया जाता है। तो आपका आंसर तो ऐसे ही आप लोग मान लगा लेंगे, ऑप्शन सी मध्याह्न। नेक्स्ट है माता पिता अपने बालकों में स्वस्थ आदतों का विकास अपने किस आचरण से करते हैं? तो अपने किस आचरण से करते हैं दोस्तों, देखिए बच्चे जो हैं वो देखकर सीखते हैं। ऐसा है कि मानव जो है वो कहा जाता है कि वो नकल करता है, तो बच्चे भी जो हैं वो नकल करते हैं। तो नकल किसका करेंगे? जब बच्चे हैं तो अपने से बड़ों का नकल करते हैं, दादा दादी माता पिता भाई बहन बड़े। तो आपको अगर बच्चे का आचरण सही करना है तो क्या करना होगा? अगर बच्चे को सुधारना है, बच्चे का आचरण को उच्च बनाना है, तो माता पिता को चाहिए कि सबसे पहले अपना आचरण उच्च बनाए और एक आदर्श प्रस्तुत करे बच्चों के सामने, तभी वो बच्चे भी उच्च आदर्श वाले बनेंगे, आचरण वाले बनेंगे। देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है कि क्या कौन सा आदत का विकास करना है ताकि बच्चे भी आचरण का अच्छा विकास हो। तो सबसे पहले है कि सुबह जल्दी उठाना है, बिल्कुल सही, रात को जल्दी सोना है, बिल्कुल सही, मनोरंजन को नियंत्रित करना है, बिल्कुल सही। यह मनोरंजन की बात आती है तो सबसे पहले यहाँ मोबाइल की बात आ जाएगी आज के ज़माने में, क्योंकि मोबाइल बच्चों के लिए एक मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन हो गया है, तो इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है आपका उक्त सभी, तो बिल्कुल सभी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उच्च आचरण को बच्चों में विकसित करने के लिए। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शिक्षक की सफलता का आधार है। तो शिक्षक की सफलता का आधार क्या होगा? कठोर अनुशासन, बिल्कुल नहीं, छात्रों का भरपूर मनोरंजन, मनोरंजन करने से बच्चे या शिक्षक की सफलता प्राप्त हो जाएगी, ये भी नहीं है, प्रभावकारी अभिव्यक्ति, ये भी नहीं। क्या होना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक की सफलता का आधार होना चाहिए अधिकाधिक ज्ञान, अधिक से अधिक उसको ज्ञान होना चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप अपने लिए कैसा व्यवसाय चाहते हैं? आपको ऑप्शन दिया गया अधिकाधिक धन प्राप्ति वाला, अधिकाधिक शक्ति अधिकार वाला, सुख शांति समृद्धि वाला या आराम तलबी वाला। तो आपका आंसर होगा दोस्तों सुख शांति और समृद्धि वाला। सिर्फ धन प्राप्त करने से सुख शांति नहीं आ जाती है, शक्ति भी और अधिकार प्राप्त कर लेंगे उससे भी हमको शांति नहीं, शांति बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम चाहेंगे कि सुख शांति समृद्धि वाला हो। नेक्स्ट है आपकी दृष्टि में कौन सी शिक्षा पद्धति श्रेष्ठतर है? कौन सी शिक्षा पद्धति सबसे अच्छी है? आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्तों अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहन देना, समाज के समस्त वर्गों के विद्यार्थियों को अध्यापक अवसर देना, सी में है आपका विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना। तो ये सभी बातें आती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उक्त सभी, ये सारी बातें सही है। नेक्स्ट है अध्यापक बनने में आपकी रुचि होने का कारण है। इंडिविजुअल आप सभी से पूछ रहा है कि आप एक अध्यापक क्यों बनना चाह रहे हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है वेतन प्राप्ति, दूसरा दिया है समय बिताओ कार्य, तीसरा है बचपन से ही अध्यापन में रुचि, तीसरा है चौथा है आपका माता पिता के धकेलने के कारण। ये बड़ा
एकदम से अजीब और ऑप्शन दे दिया है कि माता पिता के धकेलने के कारण। तो आपका आंसर होना चाहिए कि इसमें समय अच्छा बीतने वाला कार्य है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। बहुत लोग कहेंगे बचपन से ही अध्यापन में रुचि है, ये हर कोई का अपना अपना सोच होगा, लेकिन यहाँ आपका जो आयोग है वो आपसे जवाब चाह रहा है कि समय बिताओ कार्य होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित समस्याओं का ज्ञान शिक्षक के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही, शिक्षा के क्षेत्र में अभी समस्याएं क्या क्या हैं उनका ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए, तभी उसका निदान करेंगे और अच्छे से अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया, सरकार को भी उनके विषय में बता सकते हैं। दूसरा है आपका, शिक्षक उनका समाधान कुछ सुगमता से कर सकते हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल गलत है, शिक्षकों भी ज्ञान करा सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षक उनका समाधान कुछ सुगमता से कर सकते हैं, इसलिए समस्या का ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, आजकल शिक्षण कार्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो आजकल शिक्षण के कार्य को नियोग कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नियोग। तो दोस्तों आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने आज CDP का 30 क्वेश्चन किया है, जो आपके बेसिक हैं, बेसिक नॉलेज से रिलेटेड हैं। आप इसको करिए और देखिए, अपने से भी खुद से करिए, और हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में, फिर से प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे 30 क्वेश्चन का, और उसको भी हम लोग अच्छे से करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।